हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नोवाला में। फ्रेंड्स, ये जो आज की हमारी क्लास है, ये एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल साइंस से स्टडी कर रहे हैं उनकी क्लास है, ठीक है। उनके पास एक सब्जेक्ट है MPSE 007, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने MPSE 007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा था, ठीक है, कि किस टाइप से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारी बुक है MPSE 007, भारत के सामाजिक आंदोलन, इसी से ही रिलेटेड बुक है, ठीक है। तो इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नव सामाजिक आंदोलन और पुराने सामाजिक आंदोलन, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, या फिर किसे कहते हैं नव सामाजिक आंदोलन और पुराने सामाजिक आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक आंदोलन। फ्रेंड्स, सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है समाज के लोगों द्वारा किया गया आंदोलन, क्लियर। अब देखते हैं ये आंदोलन क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जिस देश में रहते हैं वो देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है वो, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है वो। लोकतांत्रिक का मीन्स क्या होता है, लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन, जहाँ जनता क्या करती है, खुद सरकार चुनती है अपनी सत्ता को, सरकार अपनी सत्ता को या अपनी सरकार को जनता क्या करती है, स्वयं चुनती है, ठीक है। अब जनता ने इस सरकार को, इस सत्ता को चुन लिया, लेकिन जब इस सत्ता का कोई व्यक्ति, जैसे लाइक नेता, जो कि जनता की इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है, जब सरकार चुनने के बाद सरकार का कोई नेता जनता की इच्छा अनुसार वर्क नहीं करता है, तो जनता क्या करती है, अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी बात को बढ़ाने के लिए जनता किस चीज़ का सहारा लेती है, आंदोलनों का। आंदोलनों के जरिए जनता क्या करती है, अपनी बात को सरकार से मनवाती है, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आंदोलन कहा जाता है। क्लियर हुआ कि आंदोलन क्या है, और सामाजिक आंदोलन जो समाज के लोगों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि नव सामाजिक आंदोलन और पुराने सामाजिक आंदोलन, नव मीन्स क्या होता है, नव मीन्स नए सामाजिक आंदोलन, ये जितने भी अब फिलहाल में नए सामाजिक आंदोलन होते हैं ये, और पुराने मीन्स जो पहले के टाइम पे जितने भी आंदोलन हुए हैं, इन दोनों में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे नव सामाजिक आंदोलन, देखने से पहले हम पुराने सामाजिक आंदोलन देखेंगे कि जो पुराने सामाजिक आंदोलन थे वो कैसे थे, पुराने सामाजिक आंदोलन, ठीक है। ये जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे, ये किस बेस पर आधारित होते थे, ये देश की पूरी सत्ता को बदलने के लिए, पूरी सत्ता को बदलने के लिए किए जाते थे। किस लिए किए जाते थे फ्रेंड्स, पूरे देश की सत्ता को बदलने के लिए किए जाने वाले आंदोलन कौन से हैं हमारे, पुराने आंदोलन। दैट मीन्स, इससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि हमारे देश में क्या था, ब्रिटिशों का शासन था। किसका शासन था, ब्रिटिशों का शासन था, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को पसंद नहीं थी, तो भारतीय सरकार ने, भारत के लोगों ने, समाज के लोगों ने कई ऐसे आंदोलन किए जिसमें वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करना चाहते थे, ब्रिटिशों को भारत से भगाना चाहते थे, क्लियर। कि ये आंदोलन इसलिए किए जाते थे कि देश की पूरी सत्ता को चेंज करने के लिए, सरकार को बदलने के लिए किए जाने वाले आंदोलन, ठीक है। ये आंदोलन क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हमारे पुराने ये नए आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन। ये जो जितने भी ये नए सामाजिक आंदोलन हुए हैं, ये देश की सत्ता से कोई संबंध नहीं रखते हैं, देश की सत्ता से संबंधित नहीं होते, संबंधित नहीं होते हैं। ये कैसे आंदोलन होते हैं, ये किसी विशेष समूह या समुदाय द्वारा किए जाते हैं। ये किसके द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये किसी विशेष समूह
यह समुदाय द्वारा किए जाने वाले आंदोलन है। अब देखिए जो हमारे पुराने सामाजिक आंदोलन थे ये कैसे थे, जो देश के सभी लोग कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, देश की सत्ता को सरकार को बदलने के लिए किए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो नए आंदोलन है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ये देश की सत्ता से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये किसी एक विशेष समूह या किसी वर्ग या समुदाय द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, किसानों द्वारा किए गए आंदोलन। अब देखिए इसमें देश की सत्ता को बदलने का तो कोई रोल नहीं है, ये देश की सत्ता से तो कोई रिलेट नहीं करते हैं, कोई संबंध नहीं है इनका, ये किसानों द्वारा किए गए हैं तो जाहिर सी बात है ये किसानों के हितों के लिए ही होंगे, ठीक है। अब ये किसानों द्वारा किए गए हैं तो किसानों के लिए ही हैं। दूसरे एग्जाम्पल से जैसे दलित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए आंदोलन, अब ये जितने भी आंदोलन है जो दलितों के उत्थान की बात, उनके आरक्षण की बात करते थे, वो आंदोलन वो किसके लिए थे, एक विशेष समूह के लिए थे, विशेष जाति के लिए थे, सिर्फ किसके लिए थे, दलित के लिए, दैट मीन्स एससी और एसटी के लिए किए गए आंदोलन थे, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसे आंदोलन जो कि किसी एक समूह या किसी वर्ग के लिए ही विशेष रूप से किए जाते हैं, वो हमारे कौन से आंदोलन होते हैं, वो हमारे नव सामाजिक आंदोलन होते हैं, ठीक है, क्लियर। पुराने सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलनों में, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी रिवीजन अच्छे से ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है कि नव सामाजिक आंदोलन और पुराने सामाजिक आंदोलनों के मध्य संबंधों को बताइए या फिर इन दोनों के बीच में अंतर को बताइए, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में MPSC 007 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।